लेकिन कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि केंद्र सरकार का एक साल नाकामियों भरा रहा है, सरकार जनता के वादों पर खरा नहीं उतरी, लिहाजा आज के दिन आने वाली बात महज एक जुमला बनकर रह गई है। मोदी सरकार के कार्यकाल को एक साल पूरा हो गया है, ऐसे में कांग्रेस ने विपक्ष के तौर पर पोल खोलो अभियान का आगाज किया है, जिसके तहत सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यों में जा रहे हैं और जो केंद्र सरकार की नाकामियां वो गिना रहे हैं। इसके तहत सांसद दीपेंद्र हुड्डा जयपुर आए हैं, उनसे जानते हैं कि मोदी सरकार ने जो वादा किया था कि अच्छे दिन जनता के आएंगे, क्या मानते हैं सर, आ रहे हैं जनता के अच्छे? मैं समझता हूँ कि इस बात का तो जनता को हमसे और आपसे ज़्यादा पता है, मगर एक वर्ष में जिस प्रकार से, चाहे वो किसान की बात हो, छोटा व्यापारी, कर्मचारी, सैनिकों की बात हो, नौजवान की बात हो, अपने आप को हर वर्ग देश का ठगा हुआ महसूस कर रहा है। बड़े बड़े वायदों के साथ ये सरकार बनी, मगर उन वायदों से मुकरने का काम इस सरकार ने, इस पार्टी ने, जैसी सरकार बनी उन वायदों से ये मुकरे, यू टर्न लिया, और ना सिर्फ यू टर्न लिया बल्कि ये भी मानने से इनकार किया कि हमारे किए गए वायदे थे, और उसको जुमला कह के, जैसे जब पूछा गया अमित शाह जी से कि भाई वो 100 दिन के अंदर 15 लाख रुपए जो आने थे काले धन के, उसका क्या हुआ, तो उन्होंने कहा वो तो चुनावी जुमला है। तो क्या चुनाव के अंदर सच बोलना गलत है? अगर कांग्रेस पार्टी ने सच बोला तो क्या वो गलत है, और क्या जुमला बोल के कोई वोट ले सकता है? अच्छा, आपके आरोप है कि हर सेक्टर में, चाहे एग्रीकल्चर हो या एजुकेशन हो, बजट में कटौती की गई, तो फिर किसको फ़ायदा पहुँचा रही है केंद्र? देखिए, ये बड़ा भारी एक जो है अपना एक कॉरपोरेट टैक्स के अंदर कटौती की गई, जिसमें 2.5 लाख करोड़ का फायदा कॉरपोरेट सेक्टर को पहुंचाने का प्रयास हुआ। कुछ और सेक्टर हैं जिनके अंदर आवंटन जरूर बढ़ाया गया है, जिसमें रेलवे एक सेक्टर है, मगर कृषि क्षेत्र के अंदर अभूतपूर्व कटौती, तकरीबन 8,000 करोड़ की कटौती कृषि क्षेत्र के अंदर, इसी प्रकार से शिक्षा क्षेत्र के अंदर अभूतपूर्व कटौती, इसी प्रकार से जो SC और ST सब प्लान है, जो अनुसूचित जातियों के लिए जो बजट अलग से रखने का काम कांग्रेस पार्टी कर दी थी, उस क्षेत्र में अभूतपूर्व कटौती, तो सामाजिक क्षेत्र में कृषि क्षेत्र के अंदर इतनी ज़बरदस्त कटौती हुई है। एक तरफ जो है किसान पे जो है एक इस पूरे पिछले कुछ महीनों से जो है कुछ कहीं ना कहीं प्रकृति की भी मार किसान को झेलनी पड़ी है। इस समय में किसान ये मानता है कि भाई प्रकृति की मार हो रही है, कम से कम सरकार का सहारा उसको मिलेगा। अच्छा, आखिरी सवाल, एज अपोजिशन मोदी सरकार को एक साल के कार्यकाल का आपने आकलन तो किया, कितने नंबर आप देते हैं? देखिए, नंबर देने का काम जनता का, मैं कभी किसी सरकार को नंबर देने में विश्वास नहीं रखता, मगर ये बात सत्य है कि ये सरकार तकरीबन हर विभिन्न मोर्चों पे विफल, बुरी तरह विफल हुई है। लोगों को जो इन्होंने वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा करने के से पीछे हटे हैं, और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि उन वायदों का क्या हुआ, 24 घंटे बिजली का क्या हुआ, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को लागू करने का क्या हुआ, जिसमें किसान को लाभकारी मूल्य मिलना था, 15 लाख हर खाते में जो काला धन आना था, उस वायदे का क्या हुआ, वन रैंक वन पेंशन का क्या हुआ, सैनिक पूछ रहे हैं। तो सारे वायदों को ये अपना जो भूल रहे हैं, उनको लेके लोग सवाल पूछ रहे हैं, सरकार हर मोर्चे पे विफल नजर आ रही है। चाहिए थे दीपेंद्र हुड्डा, उनका कहना है कि एक साल के दौरान मोदी सरकार ने कोई खास काम नहीं किए, ऐसे में वो मोदी सरकार से पूछ रहे हैं कि जनता के आखिर अच्छे दिन कब आएंगे। कैमरा पर्सन विक्रम बाटी के साथ दिनेश डांगी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।